ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਤਾਵਣ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਣ ਕੀਤਾ पंजाब पुलिस जिंदाबाद। बहुत ही अच्छे एसएचओ अच्छा हैं वो, हम जितनी दवाएं उनको दें उतनी ही काम है, जितनी तारीफ करो उतनी ही काम है उनके लिए। तो एसएचओ साहब मैनू दलेरी पे देंदे हाँ मैं रोना हाँ तो इंज उन्हें मैनू नाल लाया ना कहा बेटा कुछ नहीं तेरा बेटा नहीं साडा भी बेटा है निका जिहा मेरा भी पुत्र है मैं लभ के तो फिर थाने वड़ांगा। उन्होंने इन्नी मदद की मेरी इन्नी जिन्ना बोलो थोड़ा साढ़े जेहन च चल रहा है कि हो सकता भी अज जो दुनिया के हादसे पे बहने मैं बैलों चो कोई वही ना कर देन बच्चा ना मार देन जो टांगे हैं वो ही काम करना छोड़ गई थी हमारी। हमारे बच्चे जो है ना ये सबको प्यारे होते हैं। मैं हर माँ बाप को ये नसीहत करता हूँ कि बच्चों का ख्याल रखें और उनकी लापरवाही ना करें। वो वाइफ भी गायब हो गई तो बच्चा भी गायब हो गया मेरा तो मैं रोन लग पाया उ सारा अमले नूं मैं इकट्ठा कर लिया नाल ही एस एच ओ साहब बैंक च खलोते हैं किधरे उन्होंने मैं जाके कहा वो दस्ती सारे काम छड़ के मेरे हल आ गए ने उन्हें कहा भजो बच्चा फोर उन्हें कैमरे चैक किए ने कैमरे चैक करके दो घंटिया के उन्होंने मेरा बच्चा लभ के दिता है मैंने। अस्सलामुअलैकुम मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हवालात फोकस न्यूज़ के साथ। नाज़रीन अगर कोई भी वाकया रोनुमा होता है तो उस वाकये के बाद लोग उस मसीहा की तलाश में होते हैं जो उनको उस परेशानी से निकाल सके। आज मैं मौजूद हूं मोहल्ला मुगलपुरा गखड़ मंडी थाना के इलाके में। यहां से 4 साल बच्चा अगवा होता है, वो अपने वालिद के साथ बाजार जाता है। वालिद जो हैं वो गोश्त लेने के लिए जैसे ही दुकान के पास जाते हैं तो वहाँ से 4 साल बच्चा जो है वो अगवा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो किस तरह से मसीहा बन के सामने आई, अभी उनके वालिदैन से बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। नाज़रीन अभी मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, उस बच्चे के घर में मौजूद हूँ, उनके जो वालिदैन हैं उनसे हम बात करते हैं, उनके अहलो अयाल से बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि बच्चे का अगवा होना ये छोटी बात नहीं है। ये वो बच्चा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल मासूम बच्चा है। इसको ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या वाकया रोनुमा होने वाला है। अभी उनकी वालिदा जो हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये इस मामले में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जब ये वाकया, किस दिन का ये वाकया है, किस डेट को ये वाकया पेश आया? सोमवार वाले दिन का सुबह 9 बजे से गए हुए थे किनाल दा गोश्त वाली दुकान पर, गोश्त लैन लग गए ने। पिछे मुड़ के नहीं इन्होंने वेख्या हैगा तो किनाल दा बाइक के उत्ते बैठा होया सी, ते आदमी आया तो किनाल दा इन्हू ना बैक तो समझ थी कि ना नाल लै गया है। तो उस बाद पिछे जो इन्होंने मुड़ के वेख्या तो किनाल दा ना ही बच्चा तो ना ही गड्डी है, उत्थे इन्होंने रौला पाउन लग गए ने। तो किनाल दा फिर घर आन के इन्होंने दस्या है, घर के सारे भाई वगैरह सारे किनाल दे घर के चले गए ने लभन वास्ते, तो कोई भी नहीं किनाल दा मिले। फिर उत्थे किनाल दा इन्होंने सारे ने पुलिस वाले ने फोन किया, थाने ने फोन किया है, उत्थे सारे ने तलाक दी है, उत्थे सारे ने मिल के तो किनाल दा लाभ दिता है बच्चा मेरा। तो बहुत ही अच्छे सन किनाल दा डी एस पी जिन्होंने दिता है एस एच ओ। ये बताइएगा कि जैसे एक माँ जो है एक मिनट भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, तो जब ये आपने खबर सुनी तो क्या गुजर रही थी दिल पे कि मेरा बच्चा जो है वो उसको कोई और अगवा करके जो है वो ले गया? बहुत ज़्यादा दुख होया सी, मैं बेहोश होकर थले टेक गई सा। तो किनाल दा काफ़ी देर मैं तस्बीह वगैरह किनाल दा अल्लाह दा नाम लेंदी रही हाँ, तो अपने बच्चे नूं याद करती रही हाँ। मिनट बाद फोन कर करके इन्होंने पुछते रहे हैं, किनाल दा इन्होंने तलाह देंदे रहे हैं। फिर किनाल दा उन्होंने भाई ने लभ्या, सुबह 9 बजे का गया किनाल दा, 2:30 बजे नाल किनाल दा मिलिया वे। जो घर आया तो फिर जान सुकून आया वे। 2 घंटे उन्होंने कहा कि तुहाडा बच्चा तुहानूं मिल जाएगा, तो उन्होंने 2 घंटे बच्चा लभ के तो सानूं दिता है। बहुत ही अच्छे सन जिन्होंने वही मिल के, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये खबर सुनी, इस तरह की खबर सुन के माँ का आंखों से आंसू आना ये तो आम सी बात है, तो क्या गुजर रही थी दिल पे, जहन में क्या आ रहा था? क्योंकि अगवा जो बच्चा होता है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, ये करिश्मा आप समझ लें या फिर ये समझ लें कि पंजाब पुलिस जो है वो इस मामले में, या मुतलका एसएचओ जो हैं अरफान भिंडर, अरफान मुनवर साहब, उन्होंने इस मामले में आपको मसीहा बन के दिखाया।
जी अल्लाह का इंज इंज फरिश्ता बन के आन के उन्हें मेरे बच्चे ने बचा दिता। बड़े भैड़े दिल के ख्याल आते, पता नहीं बच्चे दे नाल की करनगे, छोटा जहा कुछ हली खादा भी नहीं है, सुबह सुबह इंज चला गया भी उन्हें कुछ खादा या नहीं खादा है, पता नहीं की उन्हें नाल सलूक करते हैं पे तो की नहीं सलूक करते हैं। तो इस वजह कि नाल परेशान सा, कि नाल कुछ कि नाल नहीं सी हुंदा, सिर्फ अल्लाह का नाँ ही लिया, अल्लाह नूं याद किया, वो भाई की मेहरबानी जिन्हें कि नाल मेरे बच्चे नूं बचाया है। इरफान पिंडर, तो ये मुझे बताइएगा कि जब बच्चा आपको खबर मिली कि बच्चा अब मिल गया है, तो उस वक्त क्या दिल में आ रहा था, खुशी का इजहार किस तरह से कर रही थी आप? बहुत ज़्यादा खुशी सी कि नाल मेरा बच्चा मैनू मिल गया आवे, बहुत अच्छा नाल उन्होंने कि नाल सच जिन्होंने कि नाल बच्चे मिल लभ के दिता है, सही पुलिस ने तावन साढ़े नाल किया कि नाल बच्चे साढ़े लभ के सू दिता है, उन्होंने चोली चोली में बहा के उन्होंने कि नाल लैके आए ने, कि नाल उन्होंने कॉल की कि ताड़ा बच्चा लभ गया वे। उस टाइम ही मैं भाई ने फोन किया, भाई कि नाल गए सन लभन, फिर उन्होंने कहा कि थाने आइए ताड़ा बच्चा मिल गया वे, फिर इन्ह सारे भाई होरी सारे जने गए ने तो जाके तो बच्चे लै आए ने इन्होंने को। नाज़रीन, आपने वालिदा की बात सुनी, अभी जो इस बच्चे के वालिद हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। ये बताइए, पुलिस का तावन किस हद तक आपका आपके साथ रहा? पुलिस का तावन बहुत अच्छा रहा, मैंने बच्चा जब गुआच गया ना मेरा, पुलिस नज़दीक ही मेरे खड़ी थी, SHO साहब नज़दीक खड़े थे, मैं रोंदा रोंदा उनके पास गया हूँ, उन्हें दस्ती मेरे कोल आ गए ने, आन के उन्हें कहा हौसला कर, हौसला दिता ना मैंने पूरा देख के, मैं कहा मेरा एक एक पुत्र कह लभेगा तेरा पुत्र, पूरा तावन SHO साहब ने किया, पूरे अमले ने साढ़े ना पूरा तावन किया, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, साही जिंज जही तो इसमीत ला के बह गए हाँ, अही आखिया साडा बच्चा नहीं लभना, उन्हें एक एक कैमरा चैक किया, उन्हें कहा साडा बच्चा तेरा बच्चा नहीं है, मासूम बच्चा साडा बच्चा, फिर उन्हें कैमरे चैक किए ने SHO साहब उरों थाने वड़े ने जो उन्हें मेरा बच्चा लभ लिया, पहला थाने उन्हें कदम नहीं रखे, उन्हें सुबह का नाश्ता नहीं हजे तकर किया, तो उन्हें एवं पे आखिए साढ़े कोई शह नहीं उन्हें ले, उन्हें कहा सानू तुहाड़ा फुल मेरा लभ गया, यही सानू बड़ी खुशी, अपनी गोद च भाग उन्हें लिया है, SHO साहब ने इन चीज़ा लैके दतिया, बिस्कुट जूस दिता, अमरूद लैके दते ने इनू, तो लै खा तेरे पापा को लैके जा रहे हैं, तो SHO साहब ने बड़ा सारे अमले साढ़े ना तावन किया, SHO साहब कोई नेक माँ का पुत्र है, अभी तो दिन पर रात दोवें जी इन दुआवां पर देने। इसके अलावा भी आपके बच्चे हैं, और जब ये वाकया हुआ टाइम क्या था, किस तरह से ये बच्चा जो है वो अगवा हुआ? मैं गोशल लेने गया था इधर से, तो गोशल ले लिया, तो बच्चे ना वाइफ पे मेरा बच्चा बैठा है, वो वाइफ भी गायब हो गई तो बच्चा भी गायब हो गया मेरा, तो मैं रोन लग पाया उ सारा अमले में मैं इकट्ठा कर लिया, नाल ही SHO साहब बैंक च खलोते हैं किधरे, उन्होंने मैं जाके कहा वो दस्ती सारे काम छड़ के मेरे हल आ गए ने, उन्हें कहा भजो बच्चा फोर, उन्हें कैमरे चैक किए ने, कैमरे चैक करके दो घंटिया के उन्हें मेरा बच्चा लभ के दिता मैं, उन्हें कहा होर हाँ क्या बड़ी यही रही दुनिया तक रही तेन दुआवा देने SHO। आपको नहीं लगता इसमें आपकी भी गलती थी, क्योंकि आप बाप थे, बाइक पे इस तरह छोटे से बच्चे को जिसको ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है किधर जाना है, आप इसको बिठा के तो आप गोश्त वाली दुकान पे चले गए? हाँ जी, मेरी गलती थी ये, मैं चाबी भी ड्रैक थी गाड़ी की और बच्चा भी मेरा गाड़ी पर बैठा था, वो बंदा कि पहले ही सलाह करे बैठा है, चोर ही उन जो रजकी ही वो बच्चा मैं गोशल लैन लग पाया, तो मगर मैं झाती मारी तो ना मेरा बच्चा है तो ना मेरी गड्डी, तो SHO साहब ने बड़ा ही तावन साढ़े ना सोना किया, जिन्ना कही उठ बोली उन्ना ही थोड़ा। तो जिस तरह बताया जा रहा था कि मेरी जब पहले भी बात हुई तो कहते हैं कि यही इनका एक बच्चा है, ओवरी जो है वो रिमूव हो चुकी है, इसके बाद बेबी जो है वो नहीं हो सकता, तो जहन में क्या बात चल रही थी जब ये बच्चा हुआ? बच्चा ना ना मिलता ये, तो मैंने उस दिन ही मर जाना था, कंधों से टकरे मार मार कर मर जाना था, जब ये मेरा बच्चा मिला तो मेरी कोई लत्तों में जान आई, उस तरह पहले मेरी लत्तों में जान खत्म सी, SHO साहब मैंने दलेरी दें दे रहे ने, ऐसा ही वो भी दलेरी देता रहा, मैं बच्चा लभ के दाँगा लभ के, उन्ना चेर उस जगह तो हिले नहीं माँ के पुत्र, जिन्ना चेर मेरा बच्चा उन्हें लभ के नहीं दिता। SHO से जब मेरी बात हुई है इरफान मुनव्वर साहब से, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो उन्होंने आपके साथ तावन किया वो आप तारीफ़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे सारे क्लिप्स वगैरह के कहाँ से मतलब हमें कोई क्लू मिल सकता है, तो आप वहाँ पे ज़मीन पर बैठे कह रहे थे कि मुझे बच्चा मेरा ढूँढ के दो, क्या बात चल रही थी उस वक्त जहन में जो इस तरह का? मेरे जहन चैन बात चल रही तो बच्चे गुआ होंगे ने, होर खाड़ के उन्होंने की करेंगे, मेरे तो बगैर मिनट नहीं रहा एक भी,
तो मैं और की करता है हूँ दुध पीता हूँ या नहीं रोटी खाधी या नहीं मेरे दिन 100 ख्याल पे आते हैं तो SHO साहब मैनू दलेरी पे देंदे हैं मैं रोना हाँ तो इंजू ने मैनू नाल लाया ना कहा बेटा कुछ नहीं तेरा बेटा नहीं साडा भी बेटा हो निका जहा मेरा भी पुत्र है मैं लभ के तो फिर ठाने बढ़ागा उन्होंने इन्नी मदद की मेरी इन्नी जिन्ना बोलो थोड़ा उन्हें बच्चा लभ्या मेरा तो फिर ठाने कदम रखे मूँह तो बुरकी भी रोटी दी उन्होंने रखी सुबह नाश्ता भी नहीं किया तो मेरे नाल भजन दे तो जो वालदैन इस तरह लापरवाही गफलत बरतते हैं उनकी इस गफलत की वजह से इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं तो वालदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी इस गफलत को देख कर वालदैन की लापरवाही है ना ये मैंने लापरवाही की थी तो मैंने लापरवाही की सजा मिलन लगी सी तो मैं बच्चा अपना खुआ पहन लगा सा इको एक पुत्र से मेरा तो मैं तो ये सिर पर उठा फिरना हाँ सिर जो लोग आपको देख रहे हैं आपका एक ही बेटा था उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने बच्चों की हिफाजत करें अगर छोटे बच्चे को घर से लेकर वो जाते हैं वो इस तरह हिफाजत करें बल तो मैं ये बोलता हूँ बच्चों को मंडी लेकर ही ना जाएं अपनी खुद जाएं बच्चों को घर ही रहने दें बच्चों को मंडी खड़े ही ना जे खड़ना है तो गाड़ी को लाख लगाएं बच्चों को चूक कर आगे लेकर जाएं आपने उनके वालिद की बात सुनी अभी उनकी ताई अम्मी जो है वो हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी तो बच्चा गुआचा तो की जेने च गल आ रहे बथेरियां आउंदियां आई सारे हैं बच्चे नाल की करन दे हर ते ते कर बुराई सी इंज जे मुक्की चले आसी ते इंज ब्रेड कटे से हेठ ते डेगनियां सारियां इंज होई आडे नाल इंज कदी होई नहीं जिवें हुण इस बच्चे ल वेख कोई ये बताएं कि पुलिस ने किस हद तक तावन किया आप लोगों तावन ना कीता है पुलिस ने ते इन्ना क तावन कीता बैठी नहीं पुलिस गली माला नहीं आडा बैठा सारे दुकाना बंद करके सारे मुंडे लभते जिन्नी को ना हड्डी कीती है जड़ा SHO है जिन्हें बच्चे नू लभन वास्ते मतलब मेहनत कीती ओदे बारे की कहना चाहोगे मेहरबानी जिंदाबाद ते इन्नी कोई दुआवां ओदे कारण अल्लाह सोहणिया नमाज पढ़ के भी नफल पढ़े हां शुक्र है या अल्लाह हाडा बच्चा लभ गया तेल मुकना सी ते बच्चे ने लभना सी ये बताइएगा कि जब आपको ये खबर मिली कि बच्चा अब मिल चुका है तो क्या दुआएं निकल रही थी मुतलका पुलिस के लिए और क्या जहन में बात आई फिर बहुत अच्छा महसूस हुआ जब बच्चे की हमने खबर सुनी कि हमारा बच्चा मिल गया हमने उस पुलिस वाले को बहुत सी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे उन्होंने हमारे बच्चे को ढूंढ के हमें दे दिया बहुत इस तरह अगर देखें तो कोई भी बच्चा अगर अगवा होता है इतने कम वक्त में बच्चे का मिलना ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि बड़ी बात है तकरीबन 4 से 5 घंटे में बच्चे को बाजियाब करवाना जी बहुत अच्छा उन्होंने किया हम उनको जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है बहुत ही अच्छे SHO हैं वो हम जितनी दुआएं उनको दें उतनी ही कम है जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है उनके लिए उनकी मेहरबानी इन्होंने हमारे बच्चे को हमें ढूंढ के सौंप दिया बहुत ही अच्छे हैं ये बताइएगा कि बच्चा मिल चुका है तो अभी खुशी है इस बात की बच्चा मिल गया खुशी बड़ी हुई है अल्लाह का शुक्र है बड़ा रहमत कीतिया ने शुक्र अल्लाह ने झोली हरी की है बड़ा दिल खुश होया मैं जो आई मैं रोंद आई घरों मेरा ब्लड तेज़ हो गया फिर मैं जाके दवाई खाधी दवाई खा के फिर मैं घरों इतने लाई मेरा इन्हें बहुत प्यार है मेरी भैन बनी है तो भाई मैं बड़ा तावन करनी हाँ बहुत अच्छा तावन होया साढ़े दिल च बड़े ख्याल भैड़े आते हैं बच्चा साढ़ा वढ़ना चढ़न कुछ ना करन असं बच्चों फोन कट रहे दुकाना से भी सारे बच्चे भी आ गए दुकाना तो भी सारे भज दौड़े असं मेहरबानी शुक्रिया करने जिन्ना तावन की पुलिस वाले ने जड़ा मुतलका SHO इरफान मुनव्वर उन्हें इन्होंने पूरा तावन किया तावन किया बहुत तावन किया उन्होंने पैरी पे मुंडा पैरी पै गया बच्चा जी पढ़िया बहुत दिल खुश होया फिर सा पुलिस आई तो बड़ी दुआवा करने हैं उन्होंने वास्ते अल्लाह ने एक बच्चा हर एक दे अंज का भाई जिन्हें साढ़े बड़ा तावन किया SHO ने बहुत तावन किया बहुत बहुत भाई मजा आया पता लग गया भाई बच्चा लभ गया तो नासीन अभी हम जो बच्चा गुम हुआ था अब यूँ कह लें कि जो अगवा हुआ था उनकी दादी हमारे साथ मौजूद है इनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बच्चा जी तो गुम होया तो की चल रहा सी तुहाडे ज़हन दे विच साढ़े ज़हन च चल रहा सी कि हो सकता भी अज जो दुनिया ते हास्ते पे वेने आ मैं बैलां च कोई ओही ना कर देन बच्चा ना मार देन मैं उत्थे बड़ा जाकर रोई पिटी हाँ मैं सारिआं नूं कहा वे बच्चा इत्थे हुण छड्ड के मेरा बच्चा गया वे ते बच्चा गुम हो गया वे उह कहिंदे ने सानूं नहीं पता कि किहड़े वेले उह बंदा लै के ते चला गया वे असीं दुआल्यों सारा वेख्या वे लभ्या चलिया कोई नहीं सानूं लब्भा घर फिर बच्चा आया फिर इत्थों सारिआं मालां ई साडा दौर गया उत्थे जाके उत्थे मैं जाके बड़ा रोई पिटी मैं क्या मैं बच्चा तुहाडे च लैणा मैनूं कैमरे वहा दवो तो बच्चा वेख पुलिस मगर लग जाएगी इन्होंने कैमरे नहीं दुकान वाले ने वहाए फिर पुलिस आ गई पुल मेरा भाई मगर गया उन्हें पुलिस मंगाई है पुलिस ने फिर उन्होंने कैमरे वेखे ने कैमरे वेख के तो उन्हें कहा नहीं कोई गल नहीं तुम घर जाओ बच्ची रोंदी पे इन्हों लै जावो तो असं बच्चा तुहाडा लभने
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਸਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤਾਵਨ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਥਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ नाज़रीन आपने दादी की बात सुनी अभी बच्चे के दादा अबू जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी बच्चे का गुम हो जाना और गुम होने के बाद इतने कम मतलब टाइम में मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है क्या कहेंगे ये हमारी किस्मत है हमारी किस्मत ने साथ दिया है तो बच्चा मिल गया नहीं तो मिलने की सूरत कोई नज़र नहीं आ रही थी और पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावर किया जितना भी उनकी तारीफ की जाए कम है ये बताएं आप दादा अबू हैं क्या गुजर रही थी उस वक्त क्या हालात थे दिल के हालात क्या थे क्योंकि ये अभी खुशी वाली बात है मिल गया बच्चा दिल तो क्या जो टांगे हैं वो ही काम करना छोड़ गई थी हमारी हमारे बच्चे जो है ना ये सबको प्यारे होते हैं मैं हर माँ बाप को ये नसीहत करता हूँ कि बच्चों का ख्याल रखें और उनकी लापरवाही ना करें ये हमारे बच्चे की लापरवाही थी जिसकी वजह से ये बच्चा गुम हो गया था नाज़रीन अगर बात करें तो इस तरह अगवा की वारदातें जो हैं वो ये एक सवालिया निशान भी है और यहीं पर अगर बात करें तो इस तरह के वाकयात जो हैं ये बहुत बड़े सानहा जो हैं उनको जन्म देते हैं एक वालिदैन की छोटी सी लापरवाही और गफलत की वजह से वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं अब देखना यहाँ पे ये है और मैसेज देखने वालों को भी ये है फोकस न्यूज़ की तरफ से कि खुदारा जब अपने बच्चों को घर से बाज़ार में लेके जाते हैं तो उनको अपने पास रखें इस तरह बाइक पे बैठा के अगर देखें तो यहाँ पर जो बाप है उसकी गफलत और लापरवाही की वजह से वो अपने बच्चे को अगवा कर बैठे तो आपको चाहिए कि जब बाज़ार जाएँ तो अपने बच्चों को अपने साथ रखें कोशिश करें कि उनको घर छोड़ के जाएँ नाज़रीन जो अगवाकार हैं हम उसके पास मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बच्चा क्यों अगवा किया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपका क्या नाम है शकील जी अभी बच्चा अगवा किया इस बात पे शर्मिंदगी है आपको जी बिल्कुल है हम तो खुद ही चाहते हैं ये बहुत शर्मिंदगी है हमारे लिए तो मर जाने के मुकाम है ये तो अपना बच्चा कौन करता है जैसा तो बच्चे को अगवा क्यों किया था जेन में बात थी उनको ब्लैकमेल करने के लिए पैसों के लिए हाँ जी पैसों के लिए तो आपके बच्चे के साथ अगर इस तरह से किया जाता है उसको अगवा कर लिया जाता है तो आप पे क्या गुजरेगी ये बात जेन में नहीं आई नहीं आप हमारा बच्चा कोई अगवा करे तो हम करने देते ये तो बहुत इंसल्ट होती है वो फैमिली जो सिगरेट होती है दसो ठीक है जी जब बच्चे को आपने अगवा किया तो बच्चा कहाँ पे मौजूद था मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे था तो मैं गया उधर मैंने देखा बच्चा मैंने कहा ये तो मेरा है मैं फौरन ही इधर मैंने कट दी कट दे के मैंने टेलीफोन किया जो आ जाए पकड़ लें जी ये हमारा ये तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बेहतरी हो गई है आइंदा माजरत है तो अभी उनको फ़ोन किया ब्लैकमेल किया जब बच्चे को लेके गए बच्चा रोया नहीं था कि मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको तो मैं जानता नहीं है ना ये अच्छी बात नहीं है हमारे बच्चे आप ऐसे उठाएंगे तो आपके बच्चे भी हैं ना ये प्लीज़ ये नहीं होना चाहिए कि भाई अभी एक तो आपने बच्चा अगवा किया आप अभी किस तरह का ड्रामा कर रहे हो जो मैं बात पूछ रही हूँ उसको घुमा फिरा के मुझे बता रहे हो आप मुझे ये बात बताएं कि जब आप बच्चे को लेके गए तो कहाँ पे रखा उसको आप बाइक पे थे मोटरसाइकिल पे थे जब बच्चे को लेके गए उन्हीं की बाइक लेके आप चले गए हाँ जी बिल्कुल आपने गलती की है उनके बच्चे को अगवा किया शुरीन। तो क्या सजा मिलनी चाहिए आपको वो सजा जो बच्चे करते हैं उनको सजा उनकी वहीं पे मुझे एक बात और ये बताएं आप भी एक बाप हैं आपके बच्चों को अगर कोई अगवा करता है तो क्या जेन में बात आएगी आपके मर जाने का मुकाम है ये तो मारने मर जाने का होता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होती तो आपने ये किस तरह से सोच लिया कि उनके बच्चे को आप लेके जा रहे हैं बाइक के ऊपर वो बैठा हुआ है उनको आप लेके जा रहे हैं तो उसके वालिदैन जो हैं वो आपकी तरह परेशान नहीं होंगे जिस तरह कह रहे हैं मेरे बच्चे को कोई अगवा करता है तो मैं मर जाऊंगा ऐसे तो फिर हमसे घर से ही वो मिलती है इन्फॉर्मेशन वो गलत मिलती है ना ये तो अच्छी बात नहीं है ना आपको पहले बताया गया था इस तरह से आपने बच्चे जो है वो अगवा करने हैं पहले कितने बच्चे अगवा कर चुके हैं आप पहले मुझे नहीं पता मैं तो इस्लामाबाद छोड़ा मैंने पता नहीं ये पहला बच्चा था जो अगवा किया हाँ जी 10 साल सेन में क्या था कि इनके वालदैन से कितने पैसे लूंगा मैं
जो नुकसान हुआ वो तो बर्दाश्त कर मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही जो वो हूँ आप समझती है, मैं तो बस यही पे काम करके वो जिनका बच्चा है वो जाने तो हम जाने। पछतावा आ रहा है आपको जहन में? पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं, मैं तो मुझे खुशी हो रही है कि मैं बाकी ग्रेट मुझे ठीक है, ये ऐसे भी ये रिजल्ट हो रही है मेरी, प्लीज ऐसे तो नहीं ना प्लीज। नासीन आपने इनके बात सुनी, एक तो इन्होंने बच्चा अगवा किया और अभी ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और ख़ुद को एबनॉर्मल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई रिलैक्सेशन जो है इनके हिस्से में आए। अगर देखें तो गुजरांवाला में इस तरह के जो अगवा के केसेस हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि जब यह बच्चा अगवा हुआ, अगवा होने के तकरीबन 5 घंटे बाद जो मुतलका यहाँ पर टीम तश्कील दी गई थी SHO अरफान मुनव्वर बिंडर की सरबराही में, उन्होंने 5 घंटे में तगोदो करने के बाद यह बच्चा जो है ये इनसे बाजियाब करवा लिया। इनसे हमारी जो अगवाकार है इनसे हमारी बात हुई तो इसका भी यही कहना है कि मैंने बच्चा अगवा किया और जहन में यही था कि इनसे पैसे लूंगा और ये कह रहे हैं कि मुझे अब पछतावा है। अगर देखें तो गुजरांवाला में इस तरह के जो केसेज हैं जहाँ पर बढ़ रहे हैं वहीं पर पुलिस के जो अफसरान हैं वो खुद को यहाँ पर गुजरांवाला को क्राइम फ्री साबित करने के लिए अपने मुस्बत करदार अदा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गुजरांवाला से इस तरह के जो केसेस हैं वो कब थमने का नाम लेंगे। इसी के साथ मिस बबुल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।